सर, इस अभियान की शुरुआत करनाल से की जा रही है, लेकिन करनाल के अंदर ही देखा जा रहा है जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो ग्रुपों में बटे हुए हैं। क्या लगता है कार्यकर्ता कितने पहुंचे? हरियाणा के अंदर कहीं भी कांग्रेस पार्टी में कहीं भी गुटबाजी नहीं है, हर एक को अपना अपना कार्य करने का क्षेत्र मिला हुआ है। क्या लगता है भाजपा से जो है जनता कितनी खुश नजर आ रही है? ये खुश तो कोई भी नहीं है भाजपा से। सरकार तो कहती है कि गरीब लोगों के जो कच्चे घर है उनको पक्के करवाए हैं, किसानों का कर्जा माफ किया है, बहुत सारी जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई सरकार में, जो फायदेमंद होंगे वो पोर्टल रखेंगे, बाकी पोर्टल को हम उखाड़ देंगे। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस जो है विधानसभा की तैयारियों में लग चुकी है, इस समय करनाल के अंदर मौजूद है और करनाल के अंदर जो है एक अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके चलते जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है पद यात्रा निकालेंगे। और आपको बता दें हरियाणा मांगे हिसाब, इस नाम से जो है एक अभियान शुरू किया जा रहा है। और आपको बता दें कि हर कोई नेता जो है अपने स्तर पर जो है कार्यक्रम करता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं कि जो पराग गापा जी है वो किस तरह से डोर टू डोर कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं और डोर टू डोर जो है लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अभियान 15 जुलाई को चलना है उसकी जो है कहीं ना कहीं संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बारे में बताते हुए लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि आने जाने वालों से भी बातचीत की जा रही है, जनता से बातचीत की जा रही है, जनता के बीच में जो है पराग गापा जी जा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो अभियान है वो करनाल से उसकी शुरुआत की जा रही है। 15 जुलाई को दीपेंद्र हुड्डा जो है वो करनाल से इस अभियान की शुरुआत करेंगे, पद यात्रा जो है करनाल से निकाली जाएगी, जिसके चलते जो जितने भी जो कांग्रेस के नेता है वो अपने स्तर पर जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा हिसाब मांगना चाह रहे हो आप? हिसाब हम तो मांग ही रहे हैं, हमारे हमसे कौन मांग कर रहा है हिसाब मांगने के लिए? जनता मांग कर रही है कि आप 10 सालों का विपक्षी मांग करेगा ना कि आप हिसाब लो इनसे कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने 10 साल के शासन में क्या कार्य किए हैं, क्या काम किए हैं, तो वो हिसाब लेने का समय अब आ गया है। तो कौन कौन से मुद्दे हैं इसमें? मुद्दे देखो, कांग्रेस पार्टी ने 15 मुद्दों पर चार्जशीट को हमने बनाया है, जिसमें बेरोजगारी की बात ले लो, महंगाई की बात ले लो, और अपना जो चल रहे हैं अपना महंगाई हो गया, भ्रष्टाचार की बात ले लो, पोर्टल की बात ले लो, जो किसानों के ऊपर अत्याचार की बात ले लो, और कर्मचारियों की बात ले लो, कर्मचारियों की पिटाई की बात, कौन सा ऐसा जो है कि जिन्होंने कोई एक मुद्दा छोड़ा हो? लेकिन सरकार तो कहती है कि गरीब लोगों के जो कच्चे घर है उनको पक्के करवाए हैं, किसानों का कर्जा माफ किया है, बहुत सारी जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई है। मैं आपसे बात कहूंगा, किसानों का आप हाल देख लो, 750 किसान इस अभी हाल ही में जो किसान आंदोलन था उसमें शहीद हुए, तो आप ये जनता जानती है, ये तो कहने की बातें हैं। और रही बात गरीब लोगों के 100-100 गज के प्लाट की बात, तो कहीं दिखाओ तो सही, बल्कि पीले राशन कार्ड थे वो भी काट दिए गए इनके। और रही बात पोर्टल की, तो पोर्टल के अंदर इन्होंने ऐसी स्कीमें बनाई, ID प्रॉपर्टी ID को ले लो, और मतलब जो भी इनका पोर्टल के अंदर, तो जो जो हमारी सरकार में जो फायदेमंद होंगे वो पोर्टल रखेंगे, बाकी पोर्टल को हम उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन सरकार ने तो गरीब जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। देखिए, गरीब जनता को ठगने का काम किया है, आज गरीब और गरीब होता जा रहा है। आज गरीब के पास खाने के लिए, रहने के लिए कोई व्यवस्था देखो तो सही, आप कितना महंगाई के अंदर, आज क्या महंगाई, कितनी महंगाई हो चुकी है, इतना लोगों के पास खाने की समस्या, सिलेंडर का रेट देख लो, सब्जियों का रेट देख लो, टमाटर का रेट देख लो, आप काम ये लोग बात करते हैं। सर, देखा गया आप भी जनता के बीच में जाकर अभियान का निमंत्रण देते हुए नजर आ रहे हैं, लगता है कि कितनी तादाद में जो है जनता पहुंची? देखिए लोगों, मैं अभी किसी मार्केट के अंदर गया तो आप सबके सामने देख लो, आप पब्लिक साथ ही है, तो सब लोग बढ़ चढ़ कर कांग्रेस पार्टी में के लिए अपना दिल से के साथ भी जुड़े हुए हैं और अपना समर्थन भी दे रहे हैं, हमें भरपूर समर्थन दे रहे हैं। कि वो कह रहे हैं कि हमारे आदरणीय लोकप्रिय सांसद है, वो दिलों में राज करते हैं, वो करनाल के नहीं पूरे हरियाणा के कोहिनूर है, आने वाले मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री है दीपेंद्र हुड्डा जी। सर, इस अभियान की शुरुआत करनाल से की जा रही है, लेकिन करनाल के अंदर ही देखा जा रहा है जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो ग्रुपों में बटे हुए हैं। क्या लगता है कार्यकर्ता कितने पहुंचे? नहीं, आप बताओ कौन से कार्यकर्ता ग्रुप में बटे हुए हैं? देखा जा रहा है कि शैलजा अपनी अलग पद यात्रा चला रही है, हुड्डा ग्रुप जो है वो अलग काम करता है। देखो, हरियाणा के अंदर कहीं भी कांग्रेस पार्टी में कहीं भी गुटबाजी नहीं है, हर एक को अपना अपना कार्य करने का मतलब क्षेत्र मिला हुआ है, वो अपने क्षेत्र में कार्य करे, वो यात्रा धन्यवाद दौरा भी कर रहे हैं, यात्रा भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे हुड्डा साहब इधर कर रहे हैं, दीपेंद्र जी उस दिन, दीपेंद्र जी अकेले यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं,
और बड़े हुड्डा साहब कहीं और प्रोग्राम है, उदयपान जी का कहीं और प्रोग्राम है, तो कहीं गुटबाजी नहीं हुई। जनता के बीच में आप पहुंचे हो, तो जनता की क्या क्या समस्याएं आपको दिखी? जनता की समस्याओं को हम लोग तो सुनने आ रहे हैं, उसी समस्याओं को लेकर हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी सुनने आ रहे हैं, तो वो समस्याओं को हम लोग यहाँ पर लेकर घोषणा पत्र के अंदर लोगों की समस्याओं को लेकर घोषणा पत्र में डालने का काम करेंगे। हमारे आने वाली सरकार में उन समस्याओं का निजात पाया जाए। आपको क्या लगता है भाजपा से जो है जनता कितनी खुश नजर आ रही है? ये खुश तो कोई भी नहीं है भाजपा से। अभी देखिए हाल ही में अभी चुनाव भी हुए हैं, तो खुद भाजपा वाले इतने मतलब रिजल्ट के हिसाब से कि आज 90 विधानसभा के अंदर उनका मत प्रतिशत कम हुआ है, कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है हर विधानसभा में, तो अगर जनता का ही खुश होती तो रिजल्ट कुछ और होते। सर हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, जो कमियां उसमें रह गई थी क्या विधानसभा चुनाव में पूरी हो पाएगी, क्योंकि अभी तक जो है संगठन भी बनकर तैयार नहीं हुआ कांग्रेस का? देखिए रही संगठन की बात, को मैं मानता हूँ, इस बात को हम डिनाई नहीं करता, मैं संगठन की कमी रही, अगर संगठन हमारा बना होता तो शायद रिजल्ट भी कुछ और होता, पर उसको जल्दी ही इस चुनाव में जल्दी उससे पहले संगठन बनाने का कार्य किया जाएगा। सर जनता को क्या कहना चाहेंगे अंत में? देखो जनता से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जनता आज के समय में जनता इतनी समझदार है, लोग समझते हैं कि चुनाव का वो दौर को देखकर जनता से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो आपने मत प्रतिशत बढ़ाया है हरियाणा के अंदर, जो हमें आपने कांग्रेस पार्टी को आपने मत प्रतिशत दिया है, तो मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आने वाले समय में अपना साथी अपनी पार्टी को भरपूर समर्थन दे, एक बहुमत की सरकार बनाए, ना कि जैसे JJP और इनके समर्थन की सरकार बनी तभी, और ये बहुमत की सरकार बनेगी हमारी कांग्रेस की तो जनता के काम होंगे, पोर्टल जो बेफिजूल के पोर्टल है उनको उखाड़ फेंक दिया जाएगा, किसानों की समस्याओं को सुना जाएगा, बेरोजगारी को देखा जाएगा, महंगाई को देखा जाएगा, और जो अपराध हैं अपराध में भी हमारे हुड्डा साहब ने बोला कि जो अपराधी हैं या तो उनको हरियाणा छोड़ना पड़ेगा, है ना, तो और जहाँ तक गरीबों की बात है, 100-100 गज के मकान की बात है, 100-100 गज के मकान प्लाट भी और मकान बना के दिए जाएंगे, नौकरियों की बात है, युवाओं को नौकरी मिलेंगी 2 लाख युवाओं को। जो सर आपका पूरा परिचय? मेरा नाम पराग गाब है, मैं कांग्रेस पार्टी। जी सर जो पद यात्रा की शुरुआत होगी करनाल के अंदर कहाँ से? पुरानी सब्जी मंडी का जो शेड है वहाँ से चलते करम गेट की तरफ से जाते हुए भगवान वाल्मीकि चौक की तरफ से आते आते आप अम्बेडकर चौक की पुराने बस स्टैंड की तरफ से जाते महात्मा गांधी की जो स्मृति बनी हुई है महात्मा गांधी चौक के ऊपर उसे खत्म किया जाए। क्या लगता है लोग कितनी संख्या में पहुंचेंगे? लोग ज्यादा हम लोगों से अपील कर रहे हैं, व्यापारियों से भी अपील कर रहे हैं, व्यापारियों को भी अच्छा रुझान है और पब्लिक का भी अच्छा रुझान है, युवाओं में बहुत उत्साह है क्योंकि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा करोड़ों दिनों की धड़कन है युवाओं की, तो कहीं ना कहीं युवाओं में बड़ा उत्साह है, कम से कम 40 से 50 हजार आदमी की उम्मीद है पहुंचने की। सर आपका पूरा परिचय? मनिंदर सिंह, युवा जिला अध्यक्ष करनाल शहर। तो देख सकते हैं कि हर कोई जो नेता है अपने स्तर पर जो है निमंत्रण देता हुआ नजर आ रहा है, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से भी अपील कर रहे हैं कि भारी संख्या में जो है उस पद यात्रा में पहुंचे, कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को ही लेकर पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ जो देखा जा रहा है कि भाजपा के ऊपर कटाक्ष करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा।